ऐसे ऐसे कुछ बाहर बिना कॉट पकड़े बीट बजाएगी, ऐसे ही बजाया जाता, तुम गलत बजाते थे। कॉफी कारण चिल्ला भी नहीं सकता, जिससे देख सके तो सट्टा लग रहा है। आओ आओ सट्टा फिर हमारी कैंटीन जहाँ से हम समोसे निकाला करते थे। फिफ्थ में कैसा लग रहा है अपने स्कूल के फंक्शन में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बिल्कुल नए ब्लॉग पे मेंटॉल जिंदगी के, और हम रेडी हुए हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं दोबारा अपने स्कूल। क्यों? क्योंकि आज हमारे स्कूल में लग रहा है साइंस एग्जीबिशन, और इसमें होती है बहुत ज़्यादा मस्ती। जब हम सिक्स्थ क्लास में थे आखिरी बार तब ये लगा था, फिर अब हम थर्ड ईयर में हैं यानी 6-9 साल हो चुके हैं और आज दोबारा लग रहा है ये एग्जीबिशन। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे होता है एक सेंट्रल एकेडमी का एग्जीबिशन। तो चलो, हम पहुंच चुके अपने स्कूल के बाहर और 4 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी ये पिछड़ा हुआ सा नहीं लगता। अब इसकी वजह हो सकती है कि हमने शहर नहीं छोड़ा, या फिर और भी ऐसी वाइब होगी यहाँ की इसलिए ऐसा लगता है। और स्कूल घूमने के लिए आपके स्कूल फ्रेंड्स होने चाहिए, तभी आपको वाइब असली आती है। इसलिए हमने बुला लिया अपने स्कूल फ्रेंड्स को, और इन सभी को जानते हैं आप। ये है प्रशांत, ये भी हमारे स्कूल में बैचमेट था हमारा, और इसको तो जानते ही हो। अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो तुम लोग। जानते हैं तो क्या देना, हमको पूरी दुनिया जानती है। 105 ब्लॉग हो चुके हैं। 105, आज 106वां ब्लॉग बन रहा है। अभी भी इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो फिर क्या मतलब तुम्हारे ब्लॉग चैनल का? ये है हमारा स्कूल। साले भाई को तो लेके आते कम से कम। भाई अंदर। एक बात रही है हमेशा से सेंट्रल एकेडमी की कि डेकोरेशन पे काफ़ी खर्च होता है हमारे यहाँ, जैसे कि ये, और जो नाम दिए जाते हैं हमारे फेस्ट को वो भी काफ़ी यूनिक रहते हैं। जैसे इस बार का नाम है प्रज्ञानम। अब इसका अर्थ क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन काफ़ी यूनिक सा लगता है। जैसे पिछले बार भी हमारा कुछ ऐसे यूनिक सा था, जैसे ऑरा और बहुत से ऐसे कुछ। तो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों को भी बुलाया गया है यहाँ पर, और सेकेंड शिफ्ट यानी दोनों शिफ्ट के कम्बाइंड बच्चों को बुलाया गया है। और अब हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे अंदर क्या क्या कैसे कैसे लगाया गया है। अपने स्कूल देखने अभी हम जा रहे हैं अंदर, और अंदर घुसते ही पुराने बच्चे कुछ कुछ दिखने लग गए। यहाँ हम फील दिए हैं, यहाँ हमने कैसे बंद हो गए ऊपर क्लासों में नहीं बैठ सकते। देखो ये हमारी कैंटीन जहाँ से हम समोसे निकाला करते थे। भीड़ लगती थी, मेरे पैसे से बताओ सब बना लिए। ओहो, यहाँ भी वो इतने पेड़ पौधे ना लगे होते पहले ना, तो आज ऑक्सीजन की कमी नहीं, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। अरे पीछे बड़ा अच्छा और ऑर्गेनाइज किया गया है। ये वाला डायलॉग था ना कोई कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये सब देखते हुए हम आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी हमें दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई है। क्योंकि अभी तक तो हम आगे थे स्कूल के, लेकिन जैसे ही हम ग्राउंड में पहुंचते हैं तो हमें दिखने को मिलती है बहुत ज़्यादा भीड़। और ये भीड़ थी सारे पेरेंट्स और बच्चों की जो कि इस फंक्शन को अटेंड करने आए हुए होते हैं, जो कि ये ऑर्गेनाइज किया गया फंक्शन उसे देखने आए थे। और प्रिंसिपल सर भी हमें सामने दिखाई देते हैं, सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि इस फंक्शन को अटेंड करने आए हुए होते हैं। आजकल स्टेज का सिस्टम बदल दिया गया है, अपने टाइम पे स्टेज क्या देख रहे हो साले, लग रहा है किसी बड़ी स्कूल में आए। नहीं लग रहा, अपनी स्कूल है। थोड़ा पीछे बेकार है, स्टेज बेकार है, स्टेज बन रहा ना, इसलिए स्टेज सही तो है ये नहीं। वहाँ प्रोजेक्शन होगा जो लाइट नहीं लगी रहती है, डिचिक डिचिक पीछे वो होगा ना, वो बना दो पिलर उस हिसाब से है। चलो ये सब देखने और करने के लिए तो हमने कॉलेज ज्वाइन किया था, ये तो स्कूल में ही हो रहा है। हमारे कॉलेज स्कूल है। तो हमें मिली है वैष्णवी और त्रिशा, ये भी हमारी क्लासमेट और फ्रेंड्स। मैं ब्लॉग बनाता हूँ, जाती है
बहुत सारे परफॉर्मेंस यहाँ चल रहे थे जिसका एक ग्लिम्स मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको। चलो अब थोड़े टीचर्स वगैरह से भी मिला जाए। हाँ, पुराने टीचर से मिलते हैं। जैसे ये सारे टीचर्स नए आए हुए हैं और इन लोग ने स्टॉल लगाया जिसमें क्या था मुझे नहीं समझ आया, इसलिए हम आगे बढ़ गए। टीचर्स बदल गए। पूनम मैम, राजू मैम, वो घड़ी तो है, क्या तुम नहीं पहचान रहे हो? लाओ खर्चा करो फिर। अभी बुला रही तो टीचर्स बदल गए, बहुत सारे नए टीचर्स आ गए, पुराने टीचर्स पहचान नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा मेकअप हो गया है। दिखाता हूँ मैं ऐसे दिल को मेरे, यह पता कि मीलों का ये फासला है अलग आसमान। ये एक पंजाबी स्टॉल थी जिसमें रश्मि मैम थी और बहुत सारे और भी टीचर्स थे। अब मुझे नाम भूल गया है सबका, पता नहीं कैसे भूल गया। यादें रहेंगी मैम। चेहरे सबको याद है, नाम भूल गए सब टीचर्स ने आ गए, नाम भूल गए सब। याद आ रहा है मेरे को, याद आ रहा है बस। कुछ खिलाओगे? मैंने घूम तो लो है, क्या क्या उसके बाद मिस करके खाना। और डब्बू सर ने भी स्टॉल लगाया। असली नाम मुझे क्या पता, असली नाम पता चला है। असली नाम आदमी पूछा ही नहीं कभी, जरूरत ही नहीं। ये घुमाऊंगा मैं। घुमाओ, कौन लगा? दो दो दस रुपए। कितने में? पापा पैसे नहीं दे रहे आज सुबह। पापा पढ़ने के लिए देंगे कि खेलने के लिए देंगे? इधर क्या लगा? मुद्रा एक्सचेंज टोकन मिलता है। क्रिप्टो दो मुझे, क्रिप्टो। ये टीचर्स, अरे यहाँ तो सट्टा लग रहा है। आओ सट्टा खेलते हैं। बिटकॉइन खरीद लो, बिटकॉइन बिक रहे हैं। यहाँ से ले के पैसे वहाँ पे खरीद सकते। अच्छा, वहाँ कैश मनी नहीं चलती? कैश नहीं चलती, यहाँ दूसरे में चल रहा है क्या? इस लड़की ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इसका मैं अलग से वीडियो डालूंगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर इसकी परफॉर्मेंस देखनी ही है आपको तो। गिटार बजा देता हूँ फिर बजाना। हाँ, तुझे लेके आना चाहिए। मैं यहाँ गिटार ला के क्या बजा? बोलते सर हम पुराने। अबे वो है तो मैम है तो मैम से बोल देता, बैठा देती तुझे। आरती मैम से बोल देता ना मैम। अरे मैम मैं मुझे पुराना हूँ। किसी भी बिल्डिंग की सबसे ज़रूरी जगह जो होती है वो होता है उसका वॉशरूम। तो चलो आपको दिखाते हैं वॉशरूम जो कि पूरा बन चुका है। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, देखो मेरी बात। ना 32,000 पूरा बहुत सारे टीचर्स बदल मीनू मैम वापस आ गई। तुम्हें बस उनको पहचानते हो। सतीश सर पहचान, मेरा ब्लॉग अच्छा बनाओ बे। सतीश सर तो पहचान गए सबने टीचर। मेरा ब्लॉग अच्छा बनाओ लो। इमोशनल सॉन्ग आने वाला है,
बहुत मारे गए तो इसको सुन लेते हैं, रुक जाओ इमोशन। जब मैं चिल्लाया तो सुन लिया, वो बहुत मारेगा मुझे, इमोशन हो जाओ। टैलेंट ही टैलेंट है भाई, मुंबई आ रहे भाई तेरे पास। बेचारा रोने लगेगा, स्कूल का बच्चा है, तेरे से अच्छा गा रहा है वो, तू गिटार बजाता है। गिटार ली बैठी तो लड़की पे तू कहे की बीट कहे नहीं दे रही है। बिना कॉट पकड़े बीट बजाएगी, ऐसे ही बजाया जाता, तुम गलत बजाते थे। बिना कॉट पकड़े बीट कैसे बजेगी? गाना गा रहा है, मेरे को लगा रो रहा है। बहुत सही बहुत सही। तो मिले भाई से, क्या नाम है भाई तुम्हारा? आदेश। आदेश कौन सी क्लास में? फिफ्थ में। कैसा लग रहा है अपने स्कूल के फंक्शन में? तो कौन कौन टीचर से मिले अपने? हाँ? आज टीचर पहचान आ रहे हैं? हाँ? पहचान आ रहे हैं, हम लोग तो पहचान ही नहीं आ रहे हैं। चलो बढ़िया एंजॉय करो, आओ उससे मिलते हैं, वो परफॉर्म की थी जो कौन मारेगी। आओ मिलो, आप देख रहा है कॉन्फिडेंस में। अरे चला गया भाई, मैं इंटरव्यू लिया तो मेरा रिकॉर्डिंग मैं ले लिया ना। क्लासेस में घुसने का जुगाड़ लगाओ। नहीं बोला तो है रास्ता।